अब आपको कोई नहीं मना करता। दिल की अबड़ास यही कुछ है कि जुल्म है इस मुल्क में, नाइंसाफी है, जबर है, गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान को बचाएंगे। और हमारी हक सच की लड़ी लड़ाई है, आप जितने केस बनाओ जो हरकतें करते रहो, मगर जो मुल्क में चोर थे, लूटने वाले थे, डाकू थे, आप उनको ले आए हो, जमशेद दस्ती जुर्म कर रहे हैं, बड़ा हैरत है कि हम एक माफिया से लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, अमरूद का हर पाकिस्तानी दुश्मन बगैरत हम सामना करेंगे, हथकड़ियाँ, जेलें, ना रास्ता रोक सकती हैं। जितने दिन जिंदगी है हम एक सही मानों में हुसैनियत के किरदार अदा करेंगे। यानी वादे के सरह के खिते में वक्त के बड़े बड़े फिरौन, नवाबजादे, जगीरदार, जिनका तोती बोलता था, मेरा कसूर है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, और ये पाक हैं जो मुल्क को खा गए, लूट गए, और हमें जो है ना आप घसीट रहे हो। तो ये मुझे मगर दुख है, और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, खासकर मेरे तबका जो मज़दूर तबका, उसको पैगाम है कि ये सारा कुछ जो है ना ये सिर्फ तमाशा है कि वक्त के फिरौनों को दिखाओ जी हमने जमशेद दस्ती को हथकड़ियाँ लगाई, ताकि खौफ कहे, बदमाशी कहे, वो जी अंग्रेज़ जो यहाँ अंग्रेज़ कुत्ते छोड़ गया था, वही जो है ना वही कुत्ते, वही जगीरदाराना सिस्टम वो हमें काट रहे हैं, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं। अब मैं मुजफ्फरगढ़ से चला, मुजफ्फरगढ़ में केस है, पिंडी में मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, तमाशा लगा रहे हो, और सारे सब लोगों को आपने जो है ना परेशान किया हो, तो अल्लाह खैर करेगा, मगर हमारी दुआ अल्लाह ताला इस वतन की हिफाजत करे, पाकिस्तान की, हमारा जीना मरना ये मुल्क है, हम इस फरसूदा निज़ाम के, इस बगैरत निज़ाम के, बुजदिल निज़ाम के खिलाफ हम डट के खड़े हैं, और हमारे हमारी जान भी चली जाए मगर हम इंशाल्लाह इस वतन को बचाएंगे। और ये जो घटिया निज़ाम है, जो बेगैरत निज़ाम है, जो झूठे मुकदमात, मनगढ़ंत लोगों को इंतकामी कार्यों का निशाना बनाओ, तो वो उसको अब मुकाबला कर, मगर आए मैदान में, हमने हमेशा मैदान लगाए, और बड़े बड़े सरदारों को हमने शिकस्त दी, आगे भी देंगे। 12 मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये मैंने रात मैंने वज़ीर कानून पंजाब से भी बात की थी, उनको भी ये सारा कुछ बता दिया, इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब को भी ये पता है कि भाई आप कम अज़ कम ये देख लें कि ये क्या हो रहा है, और ख़ुद वो खुद मजलूम है, खुद के ऊपर उनके ऊपर एफ आई आर हुई हैं, इमरान खान साहब के ऊपर हुई हैं, परवेज़ इलाही साहब पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, शहबाज़ गिल साहब को, तो अभी पंजाब में उनकी हुकूमत है, अल्लाह करेगा कि वो मेरी बात उन तक पहुँच जाए, कम अज़ कम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर लें कि ये जो 2019 में एफ आई आर थी ये क्या है इसमें, और एक बंदा इसमें बेगुनाह हो चुका है, वो बुद्ध बयान भी दे चुका है, अब हम उसमें जो है ना वो बैठे हैं, अल्लाह खैर करें, अदलिया उम्मीद है कि अदलिया कुछ ना कुछ तो कुछ देखे इस मौके। वैसे गुजारिश है, एक सियासी मामला चल रहे हैं, और सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि हम पाकिस्तानी हैं, और एक फ्यूडल निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी एक जदोजहद है, तो ये 2019 का केस है, पता ही नहीं है कि कौन इसका आगा है और कौन इसका पीछा है, तो बशर्त के दुख है कि सिर्फ दिखाना होता है कि जी ठीक है जी, किसी की फरमाइशें होती हैं, तो ये फरमाइशें पूरे करने के लिए हम पिंडी के तो मेहमान आए थे, इलेक्शन कमीशन में मेरा काम था, पर उसके साथ ही मैं यहाँ पे आया, कोई और एक दो मेरे काम थे, तो हम रहे उन्होंने कहा मैं मुजफ्फरगढ़ में रहता हूँ, अगर 2019 का केस था तो ये पहले कहाँ थे, उधर मुझे मुजफ्फरगढ़ पुलिस भी पकड़ सकती है, तो यकीनन इतना ही धोखा है जो तमाशा लगा हुआ है, जिस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हम तो इस वतन के लिए बैठे हैं, भुगत रहे हैं, मगर मुल्क के खौफनाक हालात से गुजर रहा है कि आप जो करो, जिसको चाहो बेइज्जत करा दो, उठा दो, हथकड़ियाँ लगा दो, ये कोई तरीका है कि कोई एम्बुलेंस है जिसका कोई पता भी नहीं है, और हमें बता दें हम हाजिर बैठे, मैं कभी भागा हूँ, हमेशा हम अदालतों का एहतराम किया खड़े थे, तो इधर हम आए तो अब इधर से जो है ना एक सारा तमाशा लगा हुआ, हमने तो बल्कि हमेशा सच को सपोर्ट किया, हुकूमत के पंजाब को भी पता है इस बारे में सारा कुछ है, तो भैया मुझे दुख है, और मैं इस की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। दूसरी तरफ आप देखें जो बड़े बड़े डाकू थे, बड़े बड़े माशाल्लाह जो खाने वाले थे, वो आज वज़ीर आज़म के साथ प्रोटोकॉलों में आ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों डॉलर लूटे, करप्शन की, लूट मार की, अब वो रात की तरीकी में सारा कुछ पाक हो गया, और जमशेद दस्ती एक मुजरम बन गया, और आप हमें जो है ना यहाँ आप बड़े बड़े धोखे इस चीज़ का है कि कोई इस का पता भी नहीं है कि इसके क्या प्रूफ हैं, किसने एम्बुलेंस दी ली, ये सारा एक सारी मनगढ़ंत और फेक कहानी, और 19 का केस है, और 19 में मैं मुजफ्फरगढ़ रह रहा हूँ, या तो मैं फरार हूँ, बाहर हूँ, मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया को, डीपीओ को भी पता है, मकामी पुलिस को भी पता है, बस ये इंतहाई यकीनन मैं कहता हूँ इंतहाई धोखा है, और इंतहाई बुजदिलाना बेगैरती है, ना इंसाफी है, और ना इंसाफी का नासूर इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैंने